हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ICT वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, कक्षा 10 का गणित हम कर रहे हैं। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 है आपका। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अगली क्लास में भी आपका इस्तेमाल होने वाला है ये चैप्टर, और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बस 2 से 3 कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, इसीलिए भाई बहुत इजी मार्क्स स्कोर करना है इसमें, इसीलिए सबसे पहले हमने ये चैप्टर पिक किया है ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी आए और आपको चीज़ें इजी लगने लगें। तो ये चैप्टर है, इसमें बिल्कुल हम स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में तो आ गए हैं। तो बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे के कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करने हैं। फिलहाल अभी तक हमने क्या किया है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें तो देखिए, इसमें बेसिक टर्म्स सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो बेसिक टर्म्स सीखना है, ठीक है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, इसका नाम है चैप्टर का। और इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे प्रथम पद, ठीक है, फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, प्रथम पद हो जाता है, उसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। एपी क्या होती है ये आपको पता है, एपी होती है कि भाई कोई अगर हमारे पास प्रोग्रेशन है, ठीक है, तो उसमें कुछ डिफरेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कुछ टर्म होती है, पद होती हैं, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और ऐसे बहुत सारे पद होते हैं, और कुछ नंबर्स होते हैं उन पद में लिखे हुए, और हर दो जो लगातार दो नंबर होते हैं उनके बीच में जो अंतर होता है वो सेम होना चाहिए, तब जाके ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। ये चीज समझनी है आपको। तो जो एपी हो जाती है उसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वही फर्स्ट टर्म होगी, प्रथम पद जिसको हम बोलते हैं, जो कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर इसको हम बोलते हैं, वो क्या हो गया कि भाई दो जो लगातार पद होते हैं, जैसे पहला पद और दूसरा पद उनके बीच का अंतर, दूसरा और तीसरा पद उनके बीच का अंतर, ये सब क्या होंगे, सेम होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि भाई अलग अलग टर्म्स को अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं, और उनकी जो अहमियत होती है वो भी अलग अलग होती है। तो जैसे हमने ए देखा, डी देखा, फिर लास्ट टर्म होती है एल या ए एन से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है इनका, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, अब आपको इन चीजों को यूज करके, इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चंस आज के हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि कोई एपी है हमारे पास, ठीक है, कोई एपी है और उसकी जो 17th टर्म है, 17वां पद है, वो क्या है कि भाई एक्सीड करता है इसको 10वें पद को 7 से। मतलब समझना कि भाई यहाँ पे दो पद की चर्चा हो रही है, दो टर्म्स के बारे में बोला गया है, एक तो 17th टर्म है और एक है 10th टर्म। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये बोला गया है कि जो 17th टर्म है भाई वो 10वें पद से बड़ा है, 17वां पद 10वें पद से बड़ा है, और कितना बड़ा है भाई, 7 बड़ा है, ठीक है, 7 बड़ा है। तो कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो देखिए अगर थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर पता लग जाएगा, और अगर भाई प्रॉपर मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आंसर आपको
सही पता लगेगा। तो यहाँ पे हम अगर जो तरीका हमने सीखा है उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। फॉर द गिवन एपी, जो एपी गिवन है आपको, जो गिवन एपी है उसके लिए A17 कितना है? A17 हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि भाई जो 17वां पद है, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, तो A17 जो है वो क्या है, एक्सीड करता है 10th टर्म यानी 10वें पद से 7 ज्यादा है। A17 माइनस A10 कितना है? 7 है। आपको क्या बताना है? आपको डी बताना है, दैट इज कॉमन डिफरेंस कितना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। जो आपका आंसर आता है हैंड रेस करके आप अपना आंसर बता दीजिए। तो बच्चों किसका आंसर आया है जल्दी से मुझे बता दीजिए, हैंड रेस करके अपना आंसर आप शेयर कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने बात की थी, अगर आप लॉजिक लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, सीधा सीधा पता लग जाएगा कि भाई 10वीं टर्म और 17वीं टर्म में भाई कितने टर्म्स का डिफरेंस है, 7 टर्म का, 7 टर्म्स का डिफरेंस है, और इनमें जो अंतर है नंबर्स का वो भी 7 का अंतर है, 7 का डिफरेंस है, मतलब हर एक टर्म में एक एक का अंतर होगा, ठीक है, एक एक एक, तभी तो भाई 7 टर्म्स के बीच में 7 का डिफरेंस आया। तो यहां से हमें सीधे से पता लग जाता है कि भाई जो डी होगा इसका वो 1 होगा, है ना। लेकिन भाई डायरेक्ट आंसर हमें नहीं लिखना, हमें तो सॉल्व करके लिखना है। तो बस यहाँ पे इसका ये फायदा होगा कि हमारा आंसर गलत नहीं होगा, हमें पता होगा पहले से आंसर। तो इसीलिए अगर हमें करना है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मेथड से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वी नो दैट an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या करना है आपको, A17 की जगह ये फॉर्मूला रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस ये 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके ए प्लस 17 माइनस 1 कितना होता है, 16 डी, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा ए प्लस 9 डी इज इक्वल टू 7। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी इज इक्वल टू 7, प्लस ए से माइनस ए कट गया, 16 माइनस 9 होता है 7 डी इज इक्वल टू 7, तो डी इज इक्वल टू 7/7 दैट इज 1, तो डी आ गया 1। आप लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस पूछा था हमसे, तो हेंस कॉमन डिफरेंस एक आ गया, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बच्चों, अगला सवाल नोट डाउन कीजिए। व्हिच टर्म ऑफ द एपी थ्री 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म।
समझना क्वेश्चन को। एक एपी दिया है आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, वो क्या है, 3, 15, 27, 39, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो इसमें बोला गया है कि भाई कौन सी टर्म, ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसकी 54th टर्म पता लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी जो इसका 54वां पद होगा वो क्या होगा, और जो 54वां पद होगा उससे 132 अगर ऐड कर दे 54वें पद में, तो वो कौन सा पद होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए इसको और सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे भी बहुत इजी है क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, तो क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है, सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन आंसर दोनों ही केस में आ जाएगा आपका। तो ठीक है, आप अपने तरीके से जो प्रॉपर हमारा मेथड है उससे सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है आपका। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से करें, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है, हमें निकालनी है जो 54वीं टर्म से 132 ज्यादा हो, वो कौन सी टर्म होगी। तो उसको nth टर्म मान लेते हैं, ठीक है। तो 54 टर्म तो पहले ही आ गई है ना। अब जो 132 है, ठीक है, उसमें कितनी टर्म्स होंगी ये हमें चेक करना है। तो अगर 132 को जो d है हमारे पास, d से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, इतनी टर्म्स और ऐड करनी है हमें 54वीं, ठीक है। तो वही तो बोला गया है, 132 ऐड करना है जो 54वीं टर्म होगी। 54th टर्म क्या होगी मुझे नहीं पता, कुछ तो होगी। मान लीजिए भाई 54th टर्म अगर 100 है, ठीक है, 54th टर्म 100 है, और अगर हम इसमें 20 और ऐड करते हैं, ठीक है, 20 और ऐड करते हैं, तो ये टोटल 120 हो जाएगा। और 120 कौन सी टर्म है यही तो बताना है। तो हमें अगर ये पता है कि भाई ये 54वीं टर्म है, और अगर ये 20 है, इसमें कितनी टर्म और आती हैं, तो वो ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगी टोटल कौन सी टर्म है ना। तो यही चीज हम यहाँ पे यही लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ से हमें सीधा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि डी कितना होगा भाई, A2 - A1, 15 - 3 12 आ गया, 12 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 ये 11 आ गया, 54 + 11 कितना आ गया, 65th, 65th टर्म। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया आपका। तो ये है हमने जो लॉजिक अप्लाई किया इसमें, लेकिन अगर आप प्रॉपरली इसको सॉल्व करेंगे तो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, इसमें क्या गिवन है ये देखिए, ठीक है भाई, एपी गिवन है, हमें लिख लीजिए गिवन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है, यहां से कुछ पता लग जाता है कि जो ए यानी फर्स्ट टर्म है वो 3 है, और क्या पता लगता है, डी पता लग जाएगा, A2 - A1 कितना है, A2 - A1 यानी 15 - 3 जो कि 12 होता है। तो हमें डी का भी पता लग गया और ए का भी पता लग गया। अब हमें निकालनी है 54वीं टर्म, ठीक है, 54th टर्म क्या होगी ये बतानी है। कैसे पता लगाएंगे भाई, A54 क्या होता है, A+N - 1 × D, यही होता है। ए कितना है, 3 है, प्लस एन कितना है, 54 - 1, और डी कितना है, 12 है, 3 + 54 - 1, 53 × 12 कितना आ जाएगा, ये 53 × 12 कितना होता है, 12 36, 3 हासिल, 12 50 60 और 3 63 हो जाएगा। 3 इसमें ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 639। तो भाई जो 54वां पद है वो कितना है, 639 है, 54वां पद 639 है, बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, हमें 54वां पद तो पता है, लेकिन हमें क्या निकालना है, नाउ
A 54 + 132। भाई 54वें पद से 132 ज्यादा होगा तो कितना आ जाएगा ये हमें देखना है। तो A 54 तो 639 है, इसमें 132 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 9 + 2 = 11, 1 हासिल 3 + 3 = 6 और 1 = 7 और 6 और 1 = 7, 771 आ गया। ठीक है, अगर 54वें पद में 132 ज्यादा होगा तो वो 771 होगा। अब हमें ये देखना है कि 771 कौन सा पद है, ठीक है, इस एपी का कौन सा पद है। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द टर्म ऑफ दिस एपी विच इज 771। कि भाई 771 इस एपी की कौन सी टर्म है, कौन सा पद है, यही निकालना है। बहुत इजी है, तो हमें क्या करना है, लेट nth टर्म बी 771। तो nth टर्म को हम 771 मान लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो a n कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, और ए एन हम ले लेते हैं, nth टर्म है 771 इज इक्वल टू ए 3 है, और n हमें निकालना है, डी है 12। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। जल्दी से इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये आ जाएगा 771 इज इक्वल टू 771 यहाँ पे आ गया है, और 3 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 12n - 12 आ जाएगा। अब क्या करना है, प्लस 3 - 12 क्या आ जाएगा, 771 इज इक्वल टू -9 + 12n। माइनस 9 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो 771 प्लस 9 इज इक्वल टू 12n। तो 771 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 780 इज इक्वल टू 12n। तो n कितना आ जाएगा भाई, 780/12। कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना दे, 12 × 6 = 72 और 12 × 5 = 60। तो n कितना आ गया, 65। ये आंसर आ गया आपका। तो इसको क्या लिखेंगे, therefore 65th term was 132 more than 54th term। नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने जो क्वेश्चन किए हैं भाई, सिमिलर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, बस बेसिक चीजों का ही इस्तेमाल हो रहा है, उसमें तरीके अलग अलग हो जाते हैं। तो वो आपको समझना है, थोड़ा सा आपने लॉजिक लगाना है, देखना क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए इनको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।